सो बेसिकली जैसे कि आप सभी लोग जानते हो आज है 13 तारीख और आज सुबह में प्रोजेक्ट टी यानी कि हम लोग का मंथ टू का रॉयल पास आ चुका है एंड मैंने वीक वन के मिशन सुबह में एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वाली वीडियो के अंदर मैं वीक टू के सारे मिशन आप लोग को बताने वाला हूँ, साथ में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप लोग इन मिशन को काफी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी वीक टू के मिशन को अनलॉक करने के लिए आप लोग को EZ मिशन लाइसेंस कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रॉयल पास बाय करोगे तो 150 UC, सेकंड टाइम पर 75 UC और अगर आप लोग तीसरी बार परचेस करो रॉयल पास को तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं सेकंड टाइम रॉयल पास को ले रहा हूं तो मैं 75 UC वाले प्लान को बाय करके इधर से EZ मिशन लाइसेंस कार्ड को परचेस कर लूंगा एंड आप लोग देख सकते हो वीक टू के सारे मिशन हमारे सामने अनलॉक हो चुके हैं। एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग को तीन में से कोई भी एक मिशन करना है, या तो आप लोग SKS का यूज करते हुए 6 बंदों को मारो क्लासिक और मिशन इग्निशन में, या फिर आप लोग VSS का यूज करके 6 बंदों को मारो क्लासिक और मिशन इग्निशन में, या फिर आप लोग मिनी 14 का यूज करते हुए मिशन इग्निशन के अंदर में या फिर क्लासिक मोड के अंदर में 6 बंदों को मारो। तो इन तीनों में से आप लोग को जो भी अच्छा लगता है SKS, VSS या फिर मिनी 14, तीनों का आप लोग को यूज करते हुए, तीनों में से किसी भी एक गन का यूज करते हुए 6 बंदे आप लोग को मारने हैं। या तो आप लोग मिशन इग्निशन में मार दो या फिर क्लासिक मोड में मार दो। उसके बाद आप लोग को इधर पिकअप करना है 3 मैचेस के अंदर में गिली सूट, जो कि आप लोग क्लासिक मोड में करो या फिर मिशन इग्निशन में करो, दोनों में से किसी में भी आप लोग को 3 मैच के अंदर गिली सूट को पिकअप करना है। लेकिन मैं आप लोग को बता, अगर आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग लिविक मैप को खेलना, क्योंकि लिविक मैप में जितने भी एयरड्रॉप आसपास में गिरते हैं वो सारे आप लोग को नजर आ जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा मैप है। जो अगला मिशन है उसके अंदर में आप लोग को सिंपली विन करना है 20 टाइम इन एरिना। एरिना बेसिकली वही है जहां पर जाकर के आप लोग TDM वगैरह खेलते हो। तो अगर आप लोग ये वाले मिशन को अपने टीममेट के साथ में करोगे जिसके पास में रॉयल पास है, यानी कि मान लो मेरे पास में रॉयल पास है, आपके पास में रॉयल पास है, तो हम दोनों अगर एक मैच खेलेंगे तो 2 मैच इधर काउंट होंगे, और अगर मान लो पूरी स्क्वाड के पास में रॉयल पास है तो अगर हम लोग एक मैच खेलेंगे तो हमारे 4 मैच काउंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये वाले मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में लैंड वाले मिशन है जहां पर आप लोग कुछ लोकेशन पर लैंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों से बोल रहा है शैनोक में आप लोग अगर पैराडाइज रिजॉर्ट के अंदर में 2 बार कूदते हो तो जब भी ये कंप्लीट हो सकता है, या फिर आप लोग पिकार्डो में भी उतर सकते हो मीरामार के अंदर 2 बार तो जब भी ये काउंट होगा, या फिर अगर आप लोग मिलिट्री बेस में उतरते हो एरेंगल के अंदर में तब भी ये काउंट होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग सेफ खेलते हो तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा मीरामार में पिकार्डो में उतरना, क्योंकि वो लोकेशन बहुत ज्यादा बढ़िया, वहां उतर करके आप लोग भाग भी सकते हो, आप लोग मरोगे भी नहीं इतनी जल्दी। इसके बाद जो हम लोग का अगला मिशन है उसके अंदर आप लोग को ऑग गन का यूज करना है। आप लोग को पता है ऑग आप लोग को एयर ड्रॉप में मिलती है, तो ऑग को या तो आप लोग इधर एरिना के अंदर में 100 बंदे मार दो ऑग से, या फिर अगर आप लोग ऑग से क्लासिक और मिशन इग्निशन में मारना चाहते हो तो वहां आप लोग को 7 बंदे मारने पड़ेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑग जो है देखो वो आप लोग को एयर ड्रॉप में मिलती है, कब मिलेगी कब आप लोग उससे 7 बंदे मारोगे। लेकिन अगर आप लोग इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो ऐसे में आप लोग इधर एरिना के अंदर में आप लोग इधर एक डोमिनेशन मोड देखने के लिए मिलता है, एंड ये वाले मोड में गाइस लिटरली अगर आप लोग काफी ज्यादा अच्छा खेलते हो तो आप लोग एक बार में इधर 50 बंदों तक को किल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ऊपर वाले मोड खेलोगे तो उसमें 40 बंदे तो टोटली मारने होते हैं, तो उसमें इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा जितना आप लोग ये डोमिनेशन वाले मोड के अंदर में कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग को जो अगला मिशन है उसके अंदर भी सेम चीज करनी है, बट आप लोग को M762 का यूज करना है। या तो M762 से आप लोग एरिना के अंदर में 100 बंदों को किल कर दो, या फिर M762 से आप लोग क्लासिक और मिशन इग्निशन में 15 बंदों को किल कर दो। तो वापस से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डोमिनेशन वाले मोड को खेलना, वहां पर आप लोग ऑक को और M762 को सेलेक्ट करके रखना, बस उनसे आप लोग किल करते रहो, ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आप लोग इधर देख रहे हो आप लोग को 3 मैच जीतने पड़ेंगे बेसिकली, लेकिन आप लोग की पूरी जो स्क्वाड होती है 4 बंदों की उसमें से किसी एक बंदे के पास में लेवल 3 का हेलमेट होना चाहिए जब आप लोग मैच को जीत रहे हो। तो ऐसे में किसी भी एक बंदे के पास अगर लेवल 3 का हेलमेट है और यही चीज अगर 3 मैच में आप लोग कर देते हो तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को पोस्ट पर लाइक देना, यानी कि 5 पोस्ट पर लाइक देना है मूवमेंट के अंदर। आप लोग क्या करना है अपने पर्सनल स्पेस के अंदर में जाना है, यहां पर आप लोग को साइड में एक मूवमेंट का बटन मिलता है, जैसे वहां क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग इधर फ्रेंड स्टेटस का बटन देखने के लिए मिलेगा। यहां जैसे आप लोग आओगे इधर काफी सारे फ्रेंड आपके जो स्टेटस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, आप लोग सिंपली इनके स्टेटस को लाइक करना है। फिलहाल मेरे 3 ही फ्रेंड ने मतलब 3 ही पोस्ट कर रखी है तो मैं फिलहाल 3 ही लाइक दे पाया हूँ, लेकिन आपको अपने फ्रेंड को बोलना है भाई पोस्ट करता रहे, तो वो 5 पोस्ट जैसी करेगा आप लोग उसी की सेम पोस्ट पर 5 लाइक दे दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो देखो 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि मैंने 3 लाइक दी, फटाफट से इधर 3 लिखा हुआ आ चुका है। 2 पोस्ट पर ऑल लाइक करूंगा तो मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को मैंने जो भी मिशन बताया आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आ गए तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलता हूं सभी से एक बड़े सी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।